नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। ये हमारे मध्यम वृत्ति योगा अभ्यास का 17वां सप्ताह है। मैं आप सबका स्वागत करती हूं। आज के अभ्यास को हम सुखासन से शुरू करेंगे, तो अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आप अपने मैट पर बैठ जाएं, पीठ सीधी, आंखें बंद और दोनों हाथों को जांघों पर टिकाते हुए मन को बिल्कुल शांत कर लें। आज हम अपने शरीर की मजबूती की ओर ध्यान देंगे और शीर्षासन का भी अभ्यास करेंगे। हमने पहले शीर्षासन के बेसिक वेरिएशन को समझा था, आज थोड़ा उसे एडवांस करेंगे। तो खुद को आज के अभ्यास के लिए तैयार कर लें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए मन को बिल्कुल शांत रखना है। और अब धीरे से आंखों को खोलते हुए मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। तदासना। आज के एब्डोमेन वर्कआउट के पहले हम फिर से विन्यासा ए और बी से शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्ता, सांस छोड़ते हुए पादहस्ता। सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने लाते हुए उत्कटासन में आ जाएं। एक सांस अंदर लेंगे, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। अधोमुखा में 5 गिनती तक, 1, 2, 3, 4 और 5। सांस लेते हुए दोनों पैर आगे, पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। सेकेंड राउंड। सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्त, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। सांस लेते हुए दोनों पैरों को सामने लाते हुए उत्कटासन। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए प्लैंक और फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। 5 गिनती तक हम इसे होल्ड करेंगे। कोर को इंगेज रखना है, पीठ बिल्कुल सीधी और आपका शरीर एक्टिव। 1, 2, 3, 4 और 5। सांस लेते हुए दोनों पैर सामने, पीठ बिल्कुल सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। तीसरा राउंड। सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्त, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से अब दोनों पैरों को सामने लाते हुए उत्कटासना। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ बिल्कुल सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। आपने नोटिस किया होगा कैसे आप अभ्यास करते करते धीरे धीरे
और कंफर्टेबल होते जा रहे हैं। हम 16 सप्ताह से लगातार अभ्यास कर रहे हैं, शरीर को बहुत ज़्यादा मजबूती मिल रही है। तो एक अच्छी सी स्माइल आते हुए विन्यासा बी को शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से दाएं पैर को सामने लाते हुए वीरभद्र आसन ए, दाया पैर मुड़ा हुआ, बाया सीधा 45 डिग्री पे। एक सांस अंदर भरेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए पहले प्लैंक और फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और इस बार अपने बाएं पैर को सामने ले आए अपने दोनों हाथों के बीच में, शरीर को उठाते हुए बैलेंस बनाए रखते हुए वीरभद्र आसना ए। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। 5 गिनती तक, 1, 2, 3, 4 और 5। सांस लेते हुए दोनों पैर सामने, पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। अब दूसरे राउंड का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से अपने दाएं पैर को सामने लाना है वीरभद्र आसन ए। बैलेंस बनाए रखते हुए एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। इस बार अपने बाएं पैर को सामने ले आए शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसन ए। एक सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, छोड़ते हुए अधोमुखा। 5 गिनती तक हम अधोमुखा को होल्ड करेंगे। पीठ बिल्कुल सीधी, 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। और अब हम विन्यासा बी के आखिरी राउंड का अभ्यास करेंगे। सांस लेते हुए ऊर्ध्वहस्त, सांस छोड़ते हुए पादहस्त, सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से अपने दाएं पैर को सामने लाते हुए वीरभद्र आसन ए। सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। सांस लेते हुए बायां पैर सामने, वीरभद्र आसन ए। और सांस छोड़ते हुए पहले प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। यहां 5 गिनती तक रहना है, 1, 2, 3, 4 और 5। सांस लेते हुए दोनों पैर सामने, पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त, सांस लेते हुए समस्थिति। अब आराम से अपने मैट पे सुखासन में बैठ जाएं, आंखों को बंद कर लें
और थोड़ी देर हम अपने शरीर को यहाँ रिलैक्स करेंगे। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें, जब भी हम कोई एडवांस पोस्चर करते हैं, जैसे कोई भी बैलेंसिंग आसन, कोई भी एब्डोमिन वर्कआउट, कोई भी अभ्यास जो आपको थोड़ा कठिन लगता हो, तो आपको अपने सांसों से कनेक्टेड रहना है, सांसों को होल्ड नहीं करना है। जैसे ही आप अपने सांस को रोक लेते हैं, आपका बॉडी टेंस्ड हो जाता है, तो आप सांसों को बिल्कुल नहीं रोकेंगे। और ऐसा करते हुए अपने बॉडी को ऑब्जर्व करें और अब धीरे से अपने आंखों को खोलते हुए आप भ्रमण आसना में आ जाएं। दोनों घुटने जमीन से टिका हुआ, हाथों की अंगुलियों को पूरी तरह से फैलाते हुए कोर को इंगेज्ड रखते हुए जमीन को पुश करना है। हाथों की अंगुलियों को अच्छी तरह से फैलाए रखने से कलाइयों पे कोई भार नहीं आता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंधा और आपकी कलाई बिल्कुल एक लाइन में और घुटना और हिप्स एक लाइन में। अब यहाँ पे इस बात का ध्यान रहे कि आपको अपने शरीर का भार अपने कलाइयों पे या कंधों पे नहीं गिराना है, तो आप जमीन को पुश करते रहेंगे, सांस लेते रहना है। मैं आपको यहाँ कोई गिनती नहीं दे रही हूँ, जिससे आपका पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित रहे। सांस लेते रहें, थोड़ी देर और हम इसे होल्ड करेंगे, जमीन को पुश करते रहना है। बस कुछ देर और सांसों की ओर ध्यान केंद्रित करें, सांसों को नियंत्रित रखना है। और अब धीरे से बॉडी को रिलैक्स करते हुए वज्रासन में बैठ जाएं। और अब हम बेबी पुशअप्स का अभ्यास करेंगे। ये पुशअप्स जैसा डीप नहीं होगा, तो अपने कंधों को हम बहुत नीचे नहीं झुकाएंगे, बस हल्का अपने शोल्डर ब्लेड्स को मूव करेंगे। ये आपको पुशअप्स के लिए तैयार करेगा, कंधों में काफी मजबूती देगा। तो हम बेबी स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। तो एक बार फिर से आप भ्रमनासना में आ जाएं। आप एक बार मुझे देख सकते हैं करते हुए और मेरे बॉडी को ऑब्जर्व करें, और उसके बाद हम ये साथ करेंगे सही तरीके से समझने के बाद। अब मैं एक बार फिर से वज्रासन में बैठ जाती हूँ और दोनों हाथों को सामने की ओर फैला लेना है। और अब धीरे से मैं अपने हाथों को सामने की ओर धकेलूंगी, जैसे मेरे हाथों के सामने कोई दीवार हो जिसको मैं पुश कर रही हूँ। और फिर धीरे से अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लूंगी बिना कोहनी को मोड़े, जैसे इस बार सामने से मुझे कोई पुश कर रहा हो। तो यहाँ पे एक सिंपल हैंड मूवमेंट है, सामने की ओर और फिर पीछे की ओर। और ये सेम हाथ के मूवमेंट को हम भ्रमनासना में करेंगे। तो अब धीरे से भ्रमनासना में आ जाएं और सेम हैंड मूवमेंट को यहाँ पे करते हैं। हम दो सेट का अभ्यास करेंगे और दोनों सेट में 10 बार हाथ को मूव करेंगे। एक सांस अंदर लें, सांस छोड़ते हुए शोल्डर ड्रॉप, सांस लेते हुए जमीन को पुश करना है, छोड़ते हुए फिर से शोल्डर ड्रॉप। कंटिन्यू करते रहें, अपनी गति के अनुसार आपको करना है। जमीन को पुश करना है, शोल्डर ब्लेड्स ओपन होगा और फिर धीरे से कंधे को नीचे की ओर हल्का गिराना है, शोल्डर ब्लेड कॉन्ट्रैक्ट होगा। अपनी गति को समझते हुए करना है। और अब धीरे से फिर से वज्रासन में आ जाएं। और अब हम दूसरे राउंड में जाएंगे। आप चाहें तो इसे प्लैंक में भी कर सकते हैं, थोड़ा और चैलेंजिंग हो जाएगा। अनकंफर्टेबल लगे तो इसे टेबल टॉप या भ्रमनासना में ही करें। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार इसे प्लैंक में करके दिखाती हूँ। सबसे पहले प्लैंक में आते हुए इस बात का ध्यान रहे कि कंधा और कलाई बिल्कुल एक लाइन में हो। और अब यहाँ सांस लेते हुए जमीन को धकेलना है, सांस छोड़ते हुए कंधे को गिराना है। तो सांस लेते हुए कंधे को लिफ्ट करें, सांस छोड़ते हुए हल्का रिलैक्स। और अब हम एक साथ अभ्यास करेंगे। आप बिल्कुल आराम से
टेबल टॉप या प्लैंक में आ जाएं जो आपको आज के लिए ज्यादा कंफर्टेबल लगे। बॉडी को पूरी तरह एंगेज रखना है जमीन को पुश करते हुए, और अब शुरू करते हैं। सांस लेते हुए जमीन को पुश करें, सांस छोड़ते हुए शोल्डर ड्रॉप। अपने गति के अनुसार कंटिन्यू करना है। ध्यान रहे अपने बॉडी को एंगेज रखना है, सांस लेते रहना है, सांसों को बिल्कुल भी नहीं रोकना है। आप अपनी गति के अनुसार कर रहे हैं, मैं कोई गिनती नहीं दूंगी। और अब धीरे से अपने घुटने को नीचे ले आए, रिलैक्स। आप चाहें तो वज्रासन या फिर बाल आसन में आ जाए, जो कंफर्टेबल लगे। मेहनत करने से भी ज्यादा जरूरी है इस बात को समझना कि हम किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हों। हमारी मेहनत को एक दिशा मिलनी चाहिए। तो अपने शरीर को सिर्फ थकाना नहीं है, आप अपने बॉडी को समझते हुए जैसा कंफर्टेबल लगे उतना करें। जबरदस्ती पुश करके इंजरी नहीं देनी है। तो हम जितना भी अभ्यास करेंगे बहुत माइंडफुली और बहुत अलर्टनेस के साथ करेंगे। तो आप सांस हमेशा लेते रहेंगे, सांस को रोकेंगे बिल्कुल भी नहीं। और अब धीरे से अपने शरीर को उठा लें और फिर से हम बेबी पुशअप्स का अभ्यास करेंगे, पहले टेबल टॉप में, उसके बाद प्लैंक में। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगी कि दूसरे राउंड में अगर प्लैंक में आपको पुशअप्स करने में कंफर्टेबल ना लगे तो आप टेबल टॉप में रहेंगे। जबरदस्ती खुद पे कुछ नहीं करना है। या तो आप 4-5 बार प्लैंक में पुशअप्स कर सकते हैं और उसके बाद टेबल टॉप में आ जाएं। बस हार नहीं मानना है और अपने शरीर को चैलेंज करते रहना है। शुरू करते हैं। भर्मनासना में आ जाएं। स्टार्ट। सांस लेते हुए पुश, सांस छोड़ते हुए ड्रॉप। अपनी गति के अनुसार करते रहें। लगभग 10 गिनती तक हम कर लेंगे। बस एक आखिरी बार। और अब धीरे से फिर से वज्रासन में बैठ जाएं, रिलैक्स। खुद को प्लैंक बेबी पुशअप्स के लिए तैयार करें। सांस लेते हुए मन को शांत कर लें और अब धीरे से आप प्लैंक में आ जाएं। और यहां पे हम प्लैंक बेबी पुशअप शुरू करते हैं। अपनी गति के अनुसार करें, बॉडी रिलैक्स रखना है, सांसों के साथ मूव करना है। जहां बहुत चैलेंजिंग लगे आप घुटने को धीरे से नीचे लाएं। बस कुछ देर और। और अब धीरे से अपने घुटने को नीचे ले आएं, आराम से वज्रासन में आ जाएं, रिलैक्स। और अब हम अर्ध पिंच मयूरासना का अभ्यास करेंगे, जिसे अंग्रेजी में डॉल्फिन पोज भी कहते हैं। तो आगे के अभ्यास के लिए खुद को तैयार करें, आराम से रिलैक्स सांस लेते हुए मन को बिल्कुल शांत कर लें। और अब हम अर्ध पिंच मयूरासना के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले उत्थित शीर्षासना का अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा कंधों को खोलेंगे, थोड़ा बॉडी इंगेजमेंट को समझेंगे और फिर उसी इंगेजमेंट को हम अर्ध पिंच मयूरासना में अप्लाई करेंगे। तो भर्मनासना में आते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाना शुरू करें। हिप्स को मूव बिल्कुल नहीं करना है और अपने छाती को जमीन की ओर लाना शुरू करें। यहाँ पे अपने एब्डोमेन को इंगेज रखते हुए सांस लेते रहना है। हाथों को मोड़े बिल्कुल भी नहीं, जितना हो सके कोहनी से सीधा रखें। और सांस को तो लेते ही रहना है, रोकना नहीं है, बॉडी को टेंस्ड नहीं करना है। बिल्कुल अपने बॉडी को कंफर्टेबल करने की कोशिश करें, टेंस्ड अप ना करें। बस कुछ देर और।
और अब धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए फिर से टेबल टॉप या भ्रमणासना में आ जाएं और फिर अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। तो पैरों की अंगुलियों को मोड़ते हुए हिप्स को उठाते हुए अपने पीठ को बिल्कुल सीधा कर ले। एब्डोमेन को इंगेज्ड रखना है। धीरे से सांस लेते हुए प्लैंक और फिर अपने फोरआर्म अपने बाहों को जमीन पे ले आए और अब यहां से धीरे धीरे अपने पैरों को अंदर की ओर लाना शुरू करें। हिप आपका और ऊपर की ओर आएगा जैसे कि आप अपने बाहों के सहारे अधोमुख श्वानासना में हों। यहां पे भी कोर को इंगेज करने की कोशिश करें, पीठ को बिल्कुल सीधा, शरीर का भार अपने कंधों पर ना गिरने दें। अपने दोनों हाथों को जमीन पे पुश करते हुए जितना हो सके अपने कंधों को इंगेज रखें। सांस लेते रहना है, बॉडी एक्टिव और रिलैक्स्ड, टेंस नहीं करना है, बस कुछ देर और सांस लेते रहें। बस एक सांस और धीरे से अब अपने घुटने को जमीन पे ले आए और बाल आसना में आ जाए, बिल्कुल रिलैक्स्ड। अपने छाती को जमीन की ओर गिरने दें और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, चाहे तो आंखों को बंद भी कर सकते हैं। आगे के अभ्यास के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं और हम एक बार फिर से अर्ध पिंच मयूरासना का अभ्यास करेंगे, लेकिन इस बार अपने एक पैर को ऊपर की ओर उठाएंगे और अपने बॉडी को सिर्फ एक पैर पर बैलेंस करेंगे। लेकिन फिलहाल तो आप बाल आसना में रिलैक्स करें, सांसों को नियंत्रित करें और अब धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए फिर से अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। सांस लेते हुए प्लैंक और धीरे से बाहों को नीचे लाते हुए फोरआर्म प्लैंक में आ जाएं। जमीन को पुश करते रहें अपने हाथों से और धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को अंदर की ओर वॉक करना शुरू करें और यहां से धीरे से फिर अपने दाएं पैर को ऊपर उठा लें। पांच गिनती तक, एक, दो, आपका शरीर इंगेज्ड, तीन, चार और पांच, और धीरे से दाएं पैर को नीचे ले आए और सेम हम दूसरी ओर करेंगे। तो सांस लेते हुए इस बार अपने बाएं पैर को ऊपर उठा लें, शरीर दाएं पैर पे बैलेंस्ड, दोनों बाहों पे बैलेंस्ड। पांच गिनती तक, एक, दो, तीन, चार और पांच। धीरे से अपने बाएं पैर को नीचे लाते हुए फिर से आराम से रिलैक्स पोजीशन में आ जाएं। और अब हम खुद को हिंदू पुशअप्स के लिए तैयार करेंगे। आज हम एक्चुअल हिंदू पुशअप नहीं करेंगे, उसका बेसिक वेरिएशन करेंगे जिससे कि आप इसे अच्छे तरीके से समझ पाए। पहले राउंड के लिए आप मुझे एक बार देख लें, फिर हम साथ अभ्यास करेंगे। हिंदू पुशअप्स में हम अधोमुख से प्लैंक की ओर जाते हुए भुजंगासना में आ जाते हैं और फिर सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। हम आज इसे नहीं करेंगे, इसका बेसिक वेरिएशन करेंगे। खुद को हम तैयार करेंगे कि हम हिंदू पुशअप्स का अभ्यास कर सकें। धीरे से आप अधोमुख श्वानासना में आ जाएं, सांस लेते हुए प्लैंक और सांस छोड़ते हुए धीरे से घुटने को नीचे लाते हुए छाती नीचे लाएंगे, बिल्कुल सष्टांग नमस्कार की तरह। आप मुझे देख सकते हैं मुझे ज्वाइन करने से पहले। अधोमुख श्वानासना से प्लैंक, फिर घुटना नीचे और फिर धीरे धीरे हम छाती नीचे लाएंगे, इंच इंच करके नीचे लाएंगे। हड़बड़ाना नहीं है, जितना हो सके बॉडी को इंगेज करें और सष्टांग नमस्कार में आ जाएं और धीरे से फिर छाती जमीन पे। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासना या भुजंग आसना में आ जाएं और सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। तो इसे सिंपली देखा जाए तो सूर्य नमस्कार का एक बीच का भाग है ये, लेकिन यहाँ सष्टांग नमस्कार जितना धीरे हो सके उतना धीरे करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। अधोमुख श्वानासना में आ जाए, फिर प्लैंक, घुटना नीचे
और फिर इंच इंच करके धीरे धीरे छाती नीचे, आराम से साष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए भुजंगासना और फिर अधोमुखा। सेकेंड राउंड करते हैं। सांस लेते हुए प्लैंक, फिर घुटना नीचे, इंच इंच करके धीरे धीरे छाती नीचे लाते हुए साष्टांग नमस्कार। सांस लेते हुए भुजंगासना, छोड़ते हुए अधोमुखा। थर्ड राउंड, प्लैंक, घुटना नीचे, धीरे धीरे छाती नीचे, जितना धीरे हो सके उतना धीरे बॉडी इंगेज रखते हुए भुजंगासना और फिर अधोमुखा। नेक्स्ट राउंड, प्लैंक, घुटना नीचे, छाती नीचे, भुजंगासना, अधोमुख श्वानासना। एक आखिरी राउंड, प्लैंक, घुटना नीचे, फिर छाती नीचे लाते हुए साष्टांग नमस्कार, ऊर्ध्वमुखा, अधोमुखा। और अब धीरे से घुटने को नीचे रखते हुए वज्रासन या फिर बालासन में आ जाएं। और अब हम शीर्षासन की ओर बढ़ेंगे। शीर्षासन के लिए ध्यान रहे कि आपको एक दीवार के सामने अपने सिर को रखना है, कुछ इस तरह। मैं दीवार का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ जिससे आपको सही से दिख सके, लेकिन आप दीवार का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि बैलेंस खोए भी तो कोई तकलीफ ना हो। और अब धीरे से टेबल टॉप से अपने बाहों को नीचे ले आए। बाहों के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, एक बाह को आप दूसरे से पकड़ सकें इतना। इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए धीरे से अपने सिर के क्राउन को दोनों हाथों के बीच में, यहाँ पे भी शोल्डर इंगेज रहेगा, टेबल टॉप की तरह आप अपने कोर को भी इंगेज रखेंगे। और अब धीरे से आप अपने हिप्स को ऊपर उठाना शुरू करेंगे, बिल्कुल पिंच मयूरासना की तरह, और अपने दोनों पैरों को धीरे धीरे अंदर लाएंगे। अब आप यहाँ बने रहें। अगर आप खुद को और चैलेंज करना चाहते हो, अगर आप रेडी हों, तो आप अपने एक पैर को घुटने से मोड़ते हुए छाती की ओर फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर एक बार मुझे देख लें। और बस पांच गिनती तक हम होल्ड करेंगे। एक, दो, तीन, चार और पांच। धीरे से पैर को नीचे ले आए और दूसरे पैर को उठाते हुए घुटने से मोड़ते हुए छाती की ओर बेंड कर लें। यहाँ पे भी पांच गिनती तक। एक, सांस लेते रहना है। दो, तीन, चार और पांच। और धीरे से फिर से बालासना में आ जाएं, रिलैक्स। और अब हम दूसरे राउंड के लिए तैयार हैं। दूसरे राउंड में मैं अपने दोनों पैरों को ऊपर ले जाते हुए पूर्ण शीर्षासना में आऊंगी। अगर आपको लगता है कि आज आप पूर्ण रूप से तैयार नहीं हैं, तो आप फिर से पहले वेरिएशन में जाएंगे और सिर्फ एक पैर को ही उठाएंगे, या फिर अपने दोनों पैर को जमीन पर रखे रहेंगे। आपको जो कंफर्टेबल लगे आप वो करें। और अब फिर से टेबल टॉप पे आते हुए दोनों बाहों के बीच का डिस्टेंस मेजर करते हुए सिर को जमीन पे ले आए। धीरे से हिप को उठाना शुरू करेंगे। कंफर्टेबल लगे तो एक पैर को मोड़ते हुए छाती के पास, यहीं बने रहना है। अगर आपको और चैलेंज करना है, तो दूसरे पैर को भी जमीन से उठाते हुए छाती के पास ले आए। दस गिनती। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और दस। अगर आपने एक पैर को ही उठाया था, तो दूसरे पैर को उठा ले पहले को नीचे लाते हुए। और अगर आपका दोनों पैर ऊपर था, तो बस दस गिनती तक और मेंटेन करने की कोशिश करें, या फिर नीचे आ जाएं, जो सही लगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ,
9 और 10। धीरे से अपने दोनों पैर को नीचे लाते हुए आराम से वज्रासन में आते हुए फिर चाइल्ड पोज यानी बाल आसना में आ जाएं। पूरे शरीर को रिलैक्स होने दें और बस थोड़ी देर में हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे, जिसके बाद शीर्षासन में जाएंगे। तो बाल आसन में अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होने दें। और अब हम सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। आप चाहें तो दीवार का सहारा लेके बेसिक वेरिएशन कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले की क्लास में समझाया था। तो चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। मैं आपको फिर से आज बेसिक वेरिएशन करके दिखाती हूँ, फिर साथ करेंगे। अपने कमर को बिल्कुल दीवार के पास ले आएं और धीरे से अपने दोनों पैरों को आप दीवार पर टिका लें। पैर को प्रेस करते हुए अपने हिप को ऊपर उठाना है और धीरे धीरे अपने पैर को और ऊपर उठाना शुरू करें दीवार पे। कंफर्टेबल लगे तो दोनों पैरों को दीवार से हटा भी सकते हैं। आप चाहें तो एक एक करके एक पैर को थोड़ी देर उठाएं, फिर दूसरे पैर को, जो कंफर्टेबल लगे आपको। और अगर आप थोड़े और चैलेंज के लिए रेडी हैं तो बिना दीवार के सपोर्ट के भी हम ये कर सकते हैं। अगर आप दीवार का सहारा ले रहे हैं तो आपको पता है आपको क्या करना है, आप सर्वांगासन में आ जाएं। अगर आप दीवार का सहारा नहीं ले रहे हैं तो धीरे से अपने घुटनों को बेंड करें, अपने कमर को ऊपर उठाना शुरू करें और अपने दोनों हाथ के सपोर्ट से अपने कमर को और जितना हो सके ऊपर ले आएं। ध्यान रहे, ज़्यादा खुद को फोर्स नहीं करना है और अपनी गर्दन को इधर उधर नहीं हिलाना है, बिल्कुल कॉन्स्टेंट रखें। सांस लेते रहना है। अपने दोनों हाथों को आप कमर पे लगाते हुए अपने बॉडी को सपोर्ट देंगे। बस कुछ देर और सांस लेते रहें। और अब सर्वांगासन से हम बाहर आएंगे। धीरे धीरे आप अपने कमर को नीचे लाना शुरू करेंगे। आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। आराम से अपने दोनों पैर को जमीन पे टिका लें और फिर शवासन में आ जाएं। अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दोनों हाथों को रिलैक्स कर लें, आंखों को बंद रखते हुए, मन बिल्कुल शांत। और अब बिना अपनी आंखों को खोले धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ते हुए हाथों को ऊपर फैलाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे और फिर घुटनों को मोड़ते हुए साइड मुड़ जाएं। धीरे से अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं, दोनों हाथ छाती के पास, आंखें अभी भी बंद। दोनों हाथों को एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे, हाथों में थोड़ी सी गर्माहट लाने के लिए।
और अब धीरे से अपने दोनों हथेलियों को अपने चेहरे पर रखते हुए हल्के हाथों से अपने चेहरे को मसाज देंगे। फिर अपने दोनों हथेलियों को खोलते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी जरूर लाइक करें। अपने दोस्त संबंधियों में भी वीडियो को जरूर फॉरवर्ड करें। हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए ध्यान दें। धन्यवाद।